बहुत समय पहले की बात है, चंपकपुर राज्य में एक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी, धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा हंसी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक साल उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा, पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजा का भंडार खाली होने लगा और राजकोष में कमी आने लगी। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। हर समय वह सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। धीरे धीरे अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता हो गई। राजा की रानी को भी इस बात का एहसास था। क्या हुआ महाराज, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। महारानी, मैं पिछली बार पड़े अकाल के बारे में सोच के परेशान हूँ। अगर इस साल भी राज्य में फिर से अकाल पड़ गया तो क्या होगा? राज्य के साथ साथ मैं अपनी प्रजा का कैसे ख्याल रख पाऊंगा? पड़ोसी राजा भी ऐसी मुसीबत में राज्य पर आक्रमण कर सकते हैं, और तो और हमारे मंत्री ही हमारे खिलाफ साजिश रच सकते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। राजा रात रात भर अकेला टहलता रहता था, ना उसको नींद आती थी और ना ही भूख प्यास लगती थी। राजा की रानी भी उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान रहने लगी थी। फिर एक दिन रानी ने राजा से कहा, महाराज, आपकी ये परेशानी मुझसे देखी नहीं जाती। मेरे मन में एक विचार है, आप इस समस्या के समाधान के लिए कुलगुरु के पास क्यों नहीं चले जाते? वो इसका कोई न कोई हल जरूर निकाल देंगे। हाँ, ये तुमने सही कहा। मैं जब भी किसी मुसीबत में होता हूँ तो कुलगुरु मेरी उस समस्या का निवारण जरूर करते हैं। मैं कल ही इस समस्या के समाधान के लिए कुलगुरु के पास जाऊंगा। अगले ही दिन राजा जंगल की तरफ निकल जाता है और घने जंगल के बीच बनी कुलगुरु की कुटिया के पास पहुंच जाता है। कहो राजन, आज इधर कैसे आना हुआ? कुलगुरु, हमेशा की तरह मैं आज भी अपनी एक समस्या लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी इस समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य निकालेंगे। अवश्य राजन, समस्या का निदान करना ही साधु का काम है। बताओ, तुम अपनी क्या समस्या लेकर मेरे पास आए हो? कुलगुरु, पिछले वर्ष अकाल पड़ने से राज्य की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। मेरे राज्य के भंडार और राजकोष पूरी तरह से खाली हो गए थे। मैं बड़ी मुश्किल से राज्य को पटरी पर ला पाया हूँ। मुझे चिंता खाई जा रही है कि कहीं इस बार भी अकाल पड़ गया तो क्या होगा। मुझे भय है कि कहीं इस बार मेरे पड़ोसी राजा मेरे राज्य पर आक्रमण ना कर दें। इस चिंता में ना मुझे भूख लगती है और ना ही मैं ठीक से सो पाता हूँ। कुलगुरु, कृपा करके आप मेरी इस चिंता को दूर कीजिए। हे राजन, मैं तुम्हारी चिंता समझ गया हूँ। तुम्हारी चिंता की असली वजह तुम्हारा राजपाट है। एक काम करो, तुम अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप कर अपनी चिंताओं से मुक्त हो जाओ। कुलगुरु, मेरा पुत्र अभी सिर्फ 5 वर्ष का है, वो अभी अबोध बालक है। इतना छोटा बालक इतने बड़े राज्य को कैसे संभाल पाएगा? तो हे राजन, तुम अपनी चिंताओं का भार मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारे राज्य की अच्छे से देखभाल करूंगा और तुम भी चिंता मुक्त हो जाओगे। राजा साधु की बात से सहमत हो जाता है, अपना सारा राजपाट साधु को सौंप देता है। हे वत्स, राजपाट तो तुमने मुझे सौंप दिया, अब तुम क्या करोगे? कुलगुरु, मैं सोच रहा हूँ कि कोई बड़ा व्यवसाय कर लूं। लेकिन उसके लिए तो तुमको धन की आवश्यकता होगी, और अब तो तुम्हारा राजपाट भी मेरा है। तुम्हारे राजकोष के धन पर भी अब मेरा अधिकार है। बिना धन के तुम अपना व्यवसाय कैसे शुरू करोगे? कुलगुरु, तो मैं किसी साहूकार के यहाँ कोई नौकरी कर लूंगा। यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की क्या आवश्यकता है? अपने राज्य में ही नौकरी कर लो, मेरा क्या है। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी इसी कुटिया में ही रहूंगा। तुम एक काम करो,
राजमहल में रहकर मेरी ओर से तुम राजपाट संभालो। राजा ने साधु की बात मान ली और अपने महल लौट आया। अब वो साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। लगभग एक महीने बाद साधु राजा से मिलने राजमहल आए और राजा से मिलकर पूछा, कहो राजा, तुम्हारे क्या हाल है? अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं? और अब ठीक से सोते हो या अब भी रात भर जागते हो? हे कुलगुरु, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद भी सोता हूँ, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था और अब भी करता हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसे कुलगुरु? राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए अब तुम चिंता मुक्त हो। आपने सही कहा कुलगुरु, ऐसा करके आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं अपना सारा काम अपना कर्तव्य समझ कर ही करता हूँ और अब मुझे किसी बात का कोई भय या चिंता नहीं होती। मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में जो भी कार्य करो उसे अपना कर्तव्य समझकर करो, ना कि बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का सही तरीका है।